कैपिटल गेन के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको आठवां नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान से पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में बता देंगे। कहा है, मिस्टर यक्स दिल्ली शहर में स्थित अपनी कृषि भूमि 15 मई 2019 को 58 लाख में बेच दिया। कितने में बेचा है? 58 लाख में बेचा है। जून 2004 में उसने 11,30,000 रुपए में खरीदी थी। कब खरीदी थी? जून 2004 में 11,30,000 में खरीदी थी और बेचा कब है? 19 में। ध्यान देना है, 1 अप्रैल 2020 को उसने कृषि भूमि 2 लाख में खरीदी, वो 20 लाख में खरीदी। भारतीय स्टेट बैंक में पूंजी लाभ खाते में 6 लाख जमा कर दिए। जो 58 लाख का बेचा था, 58 लाख में 20 लाख रुपये की नई भूमि खरीद ली, उसकी छूट मिल जाएगी। पूंजी लाभ जमा योजना खाते में इन्होंने कितना जमा कर दिया? 6 लाख रुपया जमा कर दिया, इसकी भी छूट इन्हें मिल जाएगी। उसने 30 अप्रैल 2021 को एक अन्य कृषि भूमि 5,50,000 रुपये में खरीदी, जिसके लिए धन भारतीय स्टेट बैंक से पूंजी जमा खाते में आहरित किया गया। जो पूंजी जमा योजना खाते में 6 लाख रुपया जमा किया था, उसी में से निकाल करके 5.5 लाख की एक नई जमीन खरीद ले रहा है। पूंजी लाभ जमा योजना खाते में जो राशि बची थी 2021 में आहरित कर ली। 6 लाख जमा किए थे, 5,50,000 रुपये के क्या खरीद लिए? जमीन खरीद लिए, 50,000 बची उसको निकाल लिए। आपको 2021-22-23 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना करनी है। सूचकांक आपके सामने 4-5 का दिया है और 19-20 का दिया है। जो छात्र बाद में हमारी वीडियो देखेंगे, 1 साल का अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा सूचकांक बदल जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा। आपको सबसे पहला वर्क करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन। आप अपनी कॉपी में फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब कि कर निर्धारण वर्ष लिख लेंगे। सबसे पहला काम मैंने बताया है कितने का बेचा, लिख दीजिए सेल्स प्रोसीड्स। कितने का बेचा? 58 लाख का बेचा। क्वेश्चन में सेल्स एक्सपेंसेस दिया है तो माइनस कर देते हैं, नहीं दिया है लेस कर देंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि प्राप्त करने की लागत को माइनस कर देते हैं। कितने में खरीदा था ये जो 2004 जो 19 में बेच रहा है 58 लाख में, कितने में खरीदा था? 11,30,000 में खरीदा था, 11,30,000। जब खरीदा था तब का सूचकांक नीचे रखो, वर्तमान का सूचकांक से गुणा कर दो। जब खरीदा था तब 2004-05 था, तब का सूचकांक 113 रुपया, वर्तमान का सूचकांक 289 रुपीज। आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है, क्योंकि बड़े गुड़े भाग में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप कैलकुलेटर आपके पास नहीं रहेगा। 11,30,000 भागे 113 गुड़े 289 दिया है 2,89,000, तो सही 28,90,000 माइनस कर देंगे 58 लाख में, 29,10,000 रुपया। ये हमारा कैपिटल गेन आएगा
29,10,000 रुपया, लेकिन अभी आपका पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है। फिर से समझिए, प्यार से समझिए, 58,00,000 रुपए का बेचा है, खरीदा था 2004 में, 2004 का सूचकांक नीचे कितने में खरीदा था, 11,30,000 में, वर्तमान का सूचकांक 289 है, गुणा कर देंगे 28,90,000 लागत आएगी। इसमें लेस कर दिया जाएगा और ये आ गया 29,10,000, ये हमारा आंसर आता। लेकिन जो बेचा है इन्होंने नया एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि खरीद ली है, परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, कितने में भाई खरीद ली इन्होंने नई वाली, नई वाली इन्होंने 20,00,000 रुपए में खरीद ली, तो 20,00,000 की इनको छूट मिल जाएगी। अगर बेच के जमीन खरीदते हैं तो उसकी छूट मिल जाती है, ये नियम कहता है। उसके बाद क्या कहते हैं, लेस कर देंगे इसमें जो पैसा बचा हो। सरकार ने नियम बनाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियम बनाया, जो पैसा बचा हो उसे आप कहाँ जमा कर दें, भारतीय स्टेट बैंक में पूंजी लाभ जमा योजना खाते में जमा कर देंगे। तो आपको जैसे मान लीजिए अभी आपने बेचा, अभी आपको तुरंत जमीन नहीं मिल रही है, और कोई भवन बेचा, भवन नहीं मिल रहा है आपको, उस पैसे को कहीं पर जमा कर दीजिए। कहाँ जमा करेंगे, उसमें खाता खुलवाना पड़ेगा, पूंजी लाभ जमा योजना खाता आपके पेपर में बहुत पूछता है। जब आप जमा कर देंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। कब तक छूट मिली रहेगी, जब आने वाले समय में आप खरीद लीजिए, वहीं से पैसा निकलवा के आपको छूट मिल जाएगी। इन्होंने जमा कितना किया, इन्होंने जमा किया है 6,00,000 रुपया, कैपिटल गेन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, जमीन बेच के जमीन खरीदें तो छूट मिलेगी, कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दें तो इनको छूट मिल जाएगी। कितना जमा किया है, जितना जमा किया है उतने ही लाख की छूट भी मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी छूट, ठीक है। अब आप माइनस कर लीजिए, 29,10,000 माइनस 26,00,000 यानी कि 3,10,000, कितना आएगा, 3,10,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ गया। इससे आसान कुछ है ही नहीं भैया, बेचा, इंडेक्स निकाला, इतना बचा है, इतने का नया खरीदा 20,00,000 का, कैपिटल गेन अकाउंट में 6,00,000 रुपया जमा किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,10,000 आ गया। उसके बाद अगला, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। देखो क्वेश्चन में दिया है पूंजी लाभ जमा योजना खाते में इन्होंने कितना जमा किया था, 6,00,000 रुपया जमा किया था ना, अमाउंट डिपॉजिटेड कैपिटल गेन अकाउंट कितना जमा किया था, 6,00,000 रुपया जमा किया था। बाद में कितना नया, बाद में जो ये वाला 6,00,000 जमा किए थे इसमें से कितना निकलवा रहे हैं, इसमें से निकलवा ले रहे हैं कितना, 5,50,000 की एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, अदर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कितना, 5,50,000 रुपया। 50,000 रुपया क्या होगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपका दो उत्तर आ गया है, 150,000, 1,30,000। 2021 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए होगा, 22-23 के लिए होगा, ईयर थोड़ा बदल जाता है और कुछ नहीं रहता। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो पैसा जमा किया था यही पैसा यहां पर निकालेगा, यहां पर पैसा अमाउंट डिपॉजिट जो किया उसमें से 5,50,000 रुपया क्या कर लेगा, नया जमीन खरीद लेगा तो उसकी छूट मिल जाएगी। 50,000 रुपया क्या कर दे रहा है, 50,000 रुपया खुद के लिए विड्रॉ कर ले रहा है। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन लग गया है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लें।